Hello everyone, Pooja here from Easy Vastu. Welcome, welcome. So ये pick a card reading है बहुत ही important aspect के ऊपर and the most requested video कि you know upcoming next 4 months 2022 के आपके लिए कैसे रहने वाले हैं, आपके लिए major points क्या हैं इन आने वाले 4 महीनों के लिए, क्या कोई major changes आते हुए दिख रहे हैं, क्या आपके लिए advice है इन 4 महीनों के, कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स एंड एडवाइस आपको इस रीडिंग से देखने मिलेंगे. सो यहाँ पर सिलेक्शन के लिए मैंने पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2 क्रिएट किया हुआ है, जहाँ पर पाइल नंबर 1 ए से लेके एम तक है एंड पाइल नंबर 2 एन से लेके जेड तक है. सो आपको सारे यू नो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अल्फाबेट के अकॉर्डिंगली आपको मिल जाएगा, यू कैन सेलेक्ट. नाउ सेकेंड ऑप्शन इज ऑल्सो अवेलेबल अगर आप क्रिस्टल सिलेक्शन के हिसाब से अपना पाइल सेलेक्ट करना चाहते हो. सो यहाँ पर पाइल नंबर 1 के लिए क्लियर क्वार्ट्ज़ है, पाइल नंबर 2 के लिए एमेथिस्ट है. सो अगर आप क्रिस्टल के अकॉर्डिंग सिलेक्ट करते हो, यू आर मोर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स एमेथिस्ट, आप पाइल नंबर 2 सिलेक्ट कर सकते हो. आप ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हो टुवर्ड्स द क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल, तो आप पाइल नंबर 1 सिलेक्ट कर सकते हो. सो इट्स अप टू यू कि आपको अल्फाबेट से जाना है या आपको क्रिस्टल सिलेक्शन से जाना है, इट्स ऑल अप टू यू. ओके, सो ये पाइल नंबर 1 है, पाइल नंबर 2 है, ये अभी हम इसके बाद में डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा ना, आप स्टार्ट करेंगे कि क्या आपके लिए स्पेशल मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस अपकमिंग 4 मंथ्स, इंपॉर्टेंट एडवाइस फॉर यू गाइस. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. हेलो पाइल नंबर 1, सो आपने अल्फाबेट के थ्रू अगर आपके लिए पाइल आया है या आपने क्लियर कॉर्ड सेलेक्ट किया है, जो भी रीजन से आपने पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है, देर इज़ अ स्पेशल रीज़न फॉर इट. यू नो आप इस रीडिंग से अट्रैक्ट हुए हो, तो देखते हैं यूनिवर्स एंड डिवाइन कार्ड्स आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं. सबसे पहली चीज़ देखिए, 2022 का जो आखिरी 4 महीने हैं, इसमें स्पेशल मैसेजेस आपके लिए क्या एनर्जीज को इंडिकेट कर रहा है. पहली चीज़ मैं कहूँगी, जो कहीं ना कहीं नियर बाय आप जब भी ये रीडिंग देख रहे हो, जब भी आप इस रीडिंग के पास पहुँचे हैं, तो उस महीने के अकॉर्डिंग लाइक सितंबर को मैं यहाँ पर कंसिडर कर रही हूँ, तो जो हमारे सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 4 महीने हैं, इन चारों महीनों को मिलाकर क्या आपके लिए स्पेशल पॉइंटर्स मिलकर आ रहे हैं, वो मैं उस हिसाब से मैं आपको बताऊँगी. सबसे पहली चीज़ यू नो आपके लिए मनी फाइनेंसेस काफ़ी हद तक स्टेबल और अच्छे रहेंगे एंड आपका इस 4 महीनों में आपके घर में स्पेशली कनेक्शन बेहतर होता हुआ, अच्छा होता हुआ दिख रहा है, चीज़ों में सुधार आता हुआ दिख रहा है. देखो आपके पैसे और फाइनेंसेस में बैलेंस विल बी रिक्वायर्ड, बैलेंस रखना होगा, लेकिन आपके घर परिवार में या एक फ्लो ऑफ मनी फिर भी अच्छा रहेगा. मैं कहूँगी अगर आपके मन में कोई सपने हैं, कोई इच्छा है, तो पेज ऑफ पेंटिकल्स आपको कहता है कि ज़रूर आगे बढ़ो. कोई आपको किसी से लोन लेना है या किसी आपको लगता है आपके ऊपर आपने किसी को पैसा देना है, वो सारी चीज़ें भी धीरे धीरे कवर अप होंगी, लेकिन आपको उन सारी चीज़ों में पेशेंस ज़रूर रखना है बिकॉज साथ में टॉरस और लिब्रा की एनर्जीज आई हैं. दिस डजंट मीन कि नो कि आप अगर टॉरस, लिब्रा या पाइसिस है तो ही आप ये रीडिंग को देखें, बिल्कुल भी नहीं. ये एक एनर्जी है, एस्ट्रोलॉजिकल कार्ड है, तो वो एनर्जीज को इंडिकेट करेंगे. सो देखिए सेविंग्स आपकी बनेंगी, साथ साथ में थोड़े बहुत खर्चे भी होते रहेंगे, लेकिन स्टिल मैं कहूँगी बहुत नेगेटिव रीडिंग नहीं है, अभी भी ये न्यूट्रल रीडिंग की तरफ चल रही है. तो आने वाले 4 महीनों में पहली चीज़ तो मैं कहूँगी मनी वाइज, पैसे वाइज चीज़ें स्टेबल होती हुई मेरे को दिख रही हैं. रिलेशनशिप आपका, फैमिली लाइफ, घर परिवार, जिसको हम कुटुंब कहते हैं, आपका घर परिवार सुख कहते हैं, वो भी आपका ठीक ठाक चलने वाला है आने वाले 4 महीनों में. कोई मेरे को बड़े पंगे, बड़े इश्यूज़ नहीं दिख रहे हैं. बात कर लूँ मैं आपके लव लाइफ रिलेशनशिप्स की, तो उनमें आपकी कोई इच्छा पूरी होने के बहुत अच्छे चांसेस आए हैं. 7th हाउस और 11th हाउस बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है. कहीं ना कहीं ये एनर्जीज को इंडिकेट करता है जहाँ पर इन्हों शादी के योग बन सकते हैं, आपकी कोई इच्छा पूरी हो सकती है, लव रिलेशनशिप में रिकन्सिलेशन बन सकते हैं. सो ऑल ओवर एक बहुत ही अच्छी एनर्जीज आने के चांसेज है अगले चार महीनों में, और ये बात कभी भी बन सकती है. बहुत ज़्यादा चांसेज हैं कि इन्हों कहीं ना कहीं ये मंथ एंड के जो लास्ट के 2 महीने होंगे उनमें बन सकती है बात. बट वॉट एवर मैं कहूँगी, अपनी मैनिफेस्टेशन, होप, पॉजिटिविटी बना कर रखो. जैसे यहाँ पर ये लड़की अपनी विश मांग रही है, उसको पता है यूनिवर्स उसकी विश सुन रहा है और ज़रूर पूरी करेगा, तो वो हिसाब से अपने मन में विश और वो अपना विश्वास बनाए रखे तो आपके लिए अच्छा होगा. एक और चीज़, अपनी तरफ से पूरी कोशिश कीजिएगा कि आप रिश्तों में हारमनी बना कर रखें. अगर आपको लगता है कोई बात पर गुस्सा हो जाते हो, कॉम्प्रोमाइज़ करना है, एडजस्टमेंट करना है, कतराइएगा नहीं, आपके एफर्ट्स वेस्ट नहीं जाएंगे. मैं कहूँगी अगर आप सच्चे दिल से चाहते हो, प्यार करते हो, निभाना चाहते हो रिश्ते को, और छोटी मोटी ही गलतियाँ, नेगेटिविटी आपको दिखती है और वो कॉम्प्रोमाइज़ होकर संभली जा सकती है, तो ज़रूर रिश्ते को एक मौका और दीजिएगा. रिश्ते में सुधार आने के चांसेस बने हुए हैं.
वहीं मैं अगर आगे बढ़ती हूँ तो यहाँ पर द हाई प्रिस्टेस के कार्ड आए हैं, जो कहीं ना कहीं एंड ऑफ द मंथ में स्पेशली एनर्जीज थोड़ी ऐसी रहेंगी जहाँ पर आपका मूड स्विंग्स रहेगा। आपको लगेगा पता नहीं क्यों मन में मेरे सब कुछ कहने को तो सही चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं मन से दुखी हैं, परेशान हैं, अनसेटिस्फाइड हैं, ये तरीके की भावनाएं रह सकती हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पे एडवाइस इसीलिए आपको आई है कि जब ऐसा आपको महसूस हो, फील हो, तभी अपने विश्वास पर विश्वास करो, फेथ बढ़ाइए और यूनिवर्स पर भरोसा रखिए कि जो चीज़ आप मांग रहे हो वो पूरी हो गया। एक और चीज़ हमेशा याद रखना, जब आपकी मन की नहीं होती ना तो और भी अच्छा होता है। तो ये विश्वास हमेशा अपने अंदर रखिएगा कि अगर मेरी हो रही तो अच्छा, मेरे मन की नहीं हो रही तो और भी अच्छा। तब आपको लगेगा कि लाइफ में आपको जो चीज़ें हुई हैं या होने वाली हैं या होंगी भी, तो आपको एक मन में विश्वास रहेगा कि चलो भाई अच्छे के लिए हो रहा है। कई बार भगवान इंतज़ार बहुत कराता है कोई चीज़ देने के लिए, तो उसका अपना डिवाइन टाइमिंग, अपने कोई ना कोई वजह ज़रूर होती है जो कई बार चीज़ों में अड़चन या बाधाएँ आती हैं। तो अच्छे के लिए हो रहा होता है, कई बार हमें लेसन सिखाने के लिए हो रहा होता है, तो विश्वास रखना। बट जो आपकी रीडिंग में 11th हाउस आ गया ना, ये बहुत ही शुभ कार्ड है। देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है ग्रांट्स विशेस, लक, फ्रेंड्स, सोशल कनेक्शंस। आपके सोशल कनेक्शंस में भी बढ़ोतरी आएगी एंड जीवन में एक बैलेंस बना रहेगा इमोशंस का, थॉट्स प्रोसेस का एंड पैसे का, घर का, कहीं ना कहीं बने रहेंगे। एंड ऑफ द मंथ में एनर्जी थोड़ी सी इंटेंस होती हुई दिख रही है आप लोगों के लिए, जहाँ पर आपको लगेगा कि भाई शायद से हम लाइफ में अकेले पड़ रहे हैं, हम लोनली महसूस कर रहे हैं, हमें इसमें हारना नहीं है, हमें इसमें बढ़ते जाना है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर बढ़ सकती हैं, इमोशनली आपका ऐसा मन करेगा भाई थोड़ा अकेले रहना है, ज़्यादा सेंसिटिव आप हो सकते हो, लोगों के झूठ, चलाकी, नेगेटिविटी अब और सहने की आपके पास शक्ति नहीं होगी। आप बोलोगे कि भाई जो मेरे साथ 100% सही है, इंटरेस्टेड है, सही एनर्जी दे रहा है, मेरे को उसी से लेना देना है, बाकी मेरे को ना एफर्ट और नहीं डालने हैं अपने जीवन में। तो ये एनर्जीज आपके रिलेशनशिप में एंड ऑफ द मंथ में बनती हुई दिख रही है। वहीं आपके काम और पैसे को लेकर के एंड ऑफ द मंथ में चीज़ें और हेक्टिक होती हुई दिख रही हैं, तनाव भरी होती हुई दिख रही है, लेकिन आप अपने करेज और हिम्मत से उसको बहुत अच्छे से निभाओगे और कंप्लीट करोगे, तो वो विश्वास आपके अंदर हमेशा बना रहेगा। तो ये यहाँ पर जो सेवन ऑफ वंड्स आ गए ना, क्लियरली कह रहे हैं। देखो इसमें मैं रीडिंग में अगर आपको हाईलाइट बताऊँ, हमारे दो चार कार्ड्स और बचे हुए हैं। देखो रीडिंग आने वाले चार महीनों में आपके लिए न्यूट्रल है। जो भी आप इच्छा मांग रहे हो, सबसे बड़ी बिग चेंजेस जो आपकी लाइफ में आने वाले चार महीनों में दिख रहे हैं, जिस भी चीज़ के लिए आप बहुत टाइम से इच्छा कर रहे हो, चाहे वो जॉब है, बिजनेस ओपन करना चाहते हो, शादी के लिए है, कुछ आप कोई भी आपकी इच्छा हो, वो कोई ना कोई एक इच्छा आपकी पूरी होती हुई दिख रही है आने वाले चार महीनों में। उसमें आपको खुशखबरी, अच्छी न्यूज़ मिलेगी। लव रिलेशनशिप में रिकन्सिलेशन के योग बने हुए दिखते हैं। लव हारमनी, शादी के योग बहुत स्ट्रांग है। पार्टनर से सुलह होती हुई दिख रही अच्छी है। बाकी पैसे को लेकर, फाइनेंसिस को लेकर मैं कहूँगी न्यूट्रल एनर्जीज रहेंगी। मेरे को कोई खास बिगर प्रमोशन, कोई बहुत ही बिग चेंजेस नहीं दिखे, बट हाँ कुछ लोग हैं जो घर खरीदना चाहते हैं या अपनी लाइफ में कोई लोन लेना चाहते हैं, कुछ नया स्टार्टअप करना चाहते हैं, उन सब के लिए अच्छा होगा। जॉब मिलने के लिए भी मैं कहूँगी एक हद तक जॉब के बन सकते हैं, बट मनी फाइनेंसिस में कुछ एक चुटकियों में कुछ बहुत बड़ा मेरे को चेंजेस नहीं दिखा है। लव रिलेशनशिप में पॉसिबिलिटी है। एंड यहाँ पर मैं अगर आगे बात कर लेती हूँ तो यस, विजडम हो सके तो ज़रूर ज़रूर, हम कहते हैं ना कि स्पिरिचुअल विजडम, नॉलेजेबल, कोई कोर्स करना चाहते हैं, कुछ अपना ज्ञान बढ़ाना चाहते हैं, ज़रूर करें। कंपैशन बहुत ज़रूरी है आने वाले चार महीनों में अपने रिलेशनशिप्स में। कंपैशन एंड कॉम्प्रोमाइज़ आपके लिए टैरो में भी एडवाइस आई और यहाँ पर भी मुझे ये एनर्जीज आपके लिए दिख रही हैं ज़रूर। रेस्क्यू, स्टक एनर्जीज को जाने दीजिएगा। स्टक एनर्जीज आपके लिए काम के लिए नहीं रहेंगी, स्पेशली एंड ऑफ द मंथ में अगर आपको एनर्जीज बहुत इंटेंस लगेंगी या आपको लगेगा दैट कहीं ना कहीं हम समझ नहीं पा रहे हैं दैट हम क्या करें लाइफ में, या मूड स्विंग्स हो सकते हैं, किसी भी टाइप के डीपर इमोशंस, सो वहाँ पर आपने ज़रूर ये अप्लाई करना है कि भाई जो हो गया उसे जाने दीजिए, जो सही कर रहा है आपके साथ उसके साथ रहिए, बाकी लेट गो लेट गो लेट गो बहुत ज़रूरी होगा। नेगेटिव एनर्जी पास की आपके ऊपर थॉट प्रोसेस में या स्टक मत रहिएगा। आने वाला जो आपका गुड लक है, आने वाला जो आपका भाग्य है, उससे वो कई बार ऐसा हो जाता है कि हमें लगता है कि ये चीज़ अटक क्यों रही है, हो क्यों रही है, तो कहीं ना कहीं हमें ना अपने ही मनों में वो अटकी एनर्जी बनाई होती है, तो उसको जाने दीजिए, लेट गो कीजिए, सरेंडर कर दीजिए, बहुत जल्दी आपके काम बनेंगे। वहीं यहाँ पर कार्ड्स आए हैं जो आपको नेचर से कनेक्ट होने के लिए कह रहे हैं। ज़रूर कोशिश कीजिएगा कि आप नेचर से कनेक्ट हो, योगा, मेडिटेशन, वॉकिंग, हेल्थ का ध्यान आपने ज़रूर देना है। अपनी हेल्थ के लिए आप अच्छी डाइट, अच्छे
वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, वट एवर आप अपनी डाइट के लिए कर सकते हैं वो ज़रूर कीजिएगा, आपके लिए बहुत अच्छा माना जाएगा एंड आपके लिए हीलिंग लेके आएगा। जितने भी लोगों के कोई एग्ज़ाम्स हैं, कोई स्पेशल प्रिपरेशन हो, जॉब हो, बिजनेस हो, उन सभी के लिए न्यूट्रल मैं कहूँगी, क्योंकि आपके श्रम और मेहनत ज़्यादा लगने वाली है आने वाले 4 महीनों में, एफर्ट ज़्यादा हैं, तो वो मेहनत आपने जी जान लगा के करनी है। रिजल्ट्स आपके जैसे मिल रहे थे वैसे ही मिलेंगे, बट हाँ, आपकी मेहनत कहीं कमी नहीं पड़नी चाहिए। कुछ बहुत मैं ऑनेस्टली कहूँगी, मेरे को कुछ बहुत एकदम ड्रास्टिक काज नहीं देखे इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसिस, बट लव लाइफ रिलेशनशिप्स में या कोई इच्छा पूरी होने में, कोई गुड लक का आप वेट कर रहे थे, तो भाई 4 महीने में ये 11th हाउस उसको एकदम थम्स अप दे रहा है कि वो आप एक्सपीरियंस करोगे अगले 4 महीने में, कोई ना कोई आपकी इच्छा पूरी जो आपको लेगा, चलो ये तो मेरी विश पूरी हो गई, मुझे बहुत खुशी है, इसका मुझे बड़े लंबे समय से इंतज़ार था। अब वो कोई भी हो सकती है, वो चाहे आपने बड़ी महीनों से इच्छा आपने भले जॉब की रखी हो, बिजनेस की रखी हो, जो मर्जी रखी हो, वो सिंगल सिंगल पर्सन के अलग अलग होगी, बट उस रूप में कहीं ना कहीं डिवाइन आपको मैसेजेस दे रहे कि वो इच्छा पूरी हो सकती है। सो यस, पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आप इससे कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू। हेलो पाइल नंबर 2। सो अगर आप अपने अल्फ़ाबेट के थ्रू से पाइल नंबर 2 तक आए हैं, या आपने एमेथिस्ट क्रिस्टल सेलेक्ट किया है इस वजह से आप पाइल नंबर 2 पे आए हैं, सो देयर इज़ अ रीज़न फॉर इट, जिस वजह से यूनिवर्स या कार्ड्स आपको कहीं ना कहीं कुछ स्पेशल मैसेजेस देना चाहते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, क्या आपके लिए मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, सबसे पहली चीज़ पाइल नंबर 2, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज, पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग एनर्जीज, बहुत ही बढ़िया बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ कार्ड्स आपके लिए मुझे देखने मिल रहे हैं आने वाले 4 महीनों में। पहली चीज़ तो आपकी विल पावर, आपकी मैनिफेस्टेशंस, आपके थॉट प्रोसेस, आपका इनकम, समवेयर कुछ बिग चेंजेस दिख रहे हैं, गोइंग अब्रॉड, मेकिंग बिग मनी, कोई जॉब मिलता हुआ, प्रमोशन होता हुआ, मनी स्टेबिलिटी आती हुई, कोई रिजल्ट्स अच्छे आते हुए जिसके लिए आप काम कर रहे हो, कोई एग्ज़ाम्स हो, मतलब बहुत ज़्यादा मुझे अच्छी पॉजिटिविटी दिख रही है, जहाँ पे आपका डेडिकेशन बहुत अच्छा होगा, पॉजिटिविटी बहुत अच्छी होगी, एंड यू विल डू अमेजिंग अमेजिंगली वेल। ओके, अब मैं यू नो आपको तो अभी तक मैंने सारे कंक्लूजन उठा के सारा आपको वाइब मैंने बता दी, सो दैट यू कैन गेट मोर एक्साइटेड, बिकॉज एक्चुअली में बहुत स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल कार्ड्स आए हैं। समवेयर आने वाले 4 महीनों में कॉम्बिनेशन आप देखिए, द किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड द सेकेंड हाउस, एसेट्स, फाइनेंसेस, प्रॉपर्टी परचेज, मनी, इनकम ग्रोथ बहुत अच्छी दिख रही है। सेकेंड कॉम्बिनेशन ऑफ कार्ड्स आए हैं द सिक्स ऑफ वॉन्स एंड द सन कार्ड, द कार्ड ऑफ सक्सेस, पावर, ट्रैवल। देखो ट्रैवल के बहुत अच्छे योग बने हुए दिख रहे हैं, जितने भी लोग सिटी चेंज, जॉब चेंज, कंट्री चेंज की प्लानिंग कर रहे थे, तो आने वाले 4 महीने में उनके जो अटके हुए काम थे वो आगे बढ़ सकते हैं, आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होगा, आप अपना काम बहुत अच्छे से करोगे, हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी, एंड जो भी आपकी बहुत ही डिसिप्लिन से आप अपना काम करोगे, घर बैठने का तो सवाल ही नहीं उठता है, अगर जॉब नहीं था तो जॉबलेस होने का तो सवाल ही नहीं दिखता, बिकॉज आप लोग आने वाले 4 महीनों में इतने ऑक्यूपाइड रहोगे, इतने बिजी रहोगे और इतनी हाई वाइब एनर्जी में रहोगे कि आप लोग के पास टाइम भी नहीं रहने वाला है कि भई हम रिलैक्स होके कुछ और सोचें या करें, इट विल बी वेरी हेक्टिक स्केड्यूल आपकी लाइफ में। ओके, एंड आपके पास बिल्कुल भी बेफिजूल की बातों के लिए, बेफिजूल के थॉट सोचने के लिए टाइम होने ही नहीं वाला है, सो इट्स वेरी मूविंग एनर्जी बनी हुई है, प्रोग्रेसिव और मूविंग एनर्जीज मुझे आप लोग के लिए दिख रही है। वहीं आगे द नाइट ऑफ वॉन्ड्स के कारण है, आप अपना पैशन फॉलो करते हुए दिख रहे हैं, कोई ना कोई जश्न की या अच्छी गुड न्यूज़ सेलिब्रेशन की वाइब आपके लिए आने वाले 4 महीनों में बन सकती है, कुछ ना कुछ ऐसी खबर आपको सुनने मिल जाए आपकी आपकी खुद की लाइफ की, आपके किसी करीबी लाइफ की, जहाँ पर एक रिकग्निशन, एक सेलिब्रेशन, एक पॉजिटिविटी का माहौल बन सकता है, जहाँ पर सब आपको अप्रिशिएट करेंगे, दैट यू डिड रियली वेल, यू अचीव समथिंग ग्रेट, सो वेरी गुड वाइब। ओके, सो ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंजेस आपके लिए आने वाले 4 महीनों में देखे जा रहे हैं। मैं कहूँगी कॉन्फिडेंस अपना बहुत हाई रखना, अपने ऊपर विश्वास रखना, अगर आपको लग रहा है कि भाई ये मैं चीज़ कर सकता हूँ एंड आपको वहीं सेकेंड थॉट आ रहा है कि नहीं शायद नहीं कर पाऊँगा, नहीं हो पाएगा, डोंट वरी, यू विल डू इट, यू विल डू इट, यू कैन डू इट। मतलब मुझे अगर मेरे सामने कोई ऐसा पर्सन और मैं उसके लिए रीडिंग करूँ, मतलब मैं कहूँगी जस्ट गो फॉर इट, सब कुछ होने वाला है, सब कुछ हो जाएगा, बिकॉज कॉम्बिनेशन प्लैनेट्स, टैरो कार्ड्स इतने स्ट्रॉन्ग पोजिशन के थ्रू आए हैं कि मैं कह सकती हूँ दैट यू नो कहीं ना कहीं 4 महीनों में आप काफ़ी ज़्यादा, देखो अपनी विल पावर बहुत लगाना, बिकॉज कई बार क्या होता है, हम कहते हैं ना कि शायद हमें ज़िंदगी जीवन मौका देती भी है, लेकिन हमारे अंडर कॉन्फिडेंट होने की वजह से हमें अपने आप में
कमियां दिखती है तो हम कई बार अपने हाथों से वो अपॉर्चुनिटीज गवा देते हैं। तो हमें अपनी मेहनत भी पूरी करनी, अपने कर्म भी सही रखने, फिर आगे जीवन में जो मर्जी हो हमें, फिर वो गिल्ट नहीं रहता भाई हमने अपना 100% नहीं दिया। तो वो हिसाब से आप चलिएगा तो आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर आएगा। वहीं आगे द एम्परर के कार्ड्स आए हैं। द एम्परर इट्स अ वेरी पावरफुल कार्ड। द एम्परर कहता है कि देखो भाई, मैंने लाइफ में बहुत स्ट्रगल की है, बहुत स्ट्रगल करके मुझे ये सक्सेस और ये पोजीशन मिली है ज़िंदगी में, एक हाई सक्सेसफुल पोजीशन जिसे हम कहते हैं। ये पोजीशन को मैं यूं ही गंवा नहीं सकता एंड मैं इसके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। तो आपका जो गोल है, जो बड़ा गोल है, जो डेडिकेशन है, उसमें ज़रूर आप अपनी मैं कहूँगी थोड़े से आने वाले 4 महीनों में अपनी लव लाइफ रिलेशनशिप से थोड़े से आप दूर हो सकते हो, क्योंकि आपका ध्यान ज़्यादा आपके काम पर है ना कि आपकी लव लाइफ के ऊपर है ना। मैं कहूँगी लव लाइफ अगर है भी तो ठीक ठाक चलेगी, मुझे लव लाइफ की मोस्टली कोई प्रॉब्लम नहीं दिखी है। लव लाइफ जिनकी चल रही ठीक ठाक चलेगी, बट सारे कार्ड आर रिलेटेड टू पैशन एंड मनी एंड वर्क लाइफ एंड सक्सेस एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, खुद के ऊपर काम करना। बहुत हाई चांसेस है कि आने वाले 4 महीनों में अपनी डाइट पे, अपनी फिटनेस पे बहुत ध्यान दोगे। एंड यू वांट टू बी लाइक यू नो कि दैट आई एम द बेस्ट यू नो, अपने ऊपर बहुत काम करोगे, अपने स्किल्स के ऊपर काम करोगे। एंड यू वांट टू बी, मैं कहूँगी एक ऐसा पर्सन जो नो कि लाइफ में कुछ भी हो रहा है, इमोशनल प्रॉब्लम आ रही है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रही है, आप इंडिपेंडेंट हो इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, यू कैन हैंडल योरसेल्फ। तो वो वाली आपकी वाइब एंड एनर्जी रहेगी एंड वेरी प्रैक्टिकल, बहुत प्रैक्टिकल होने वाले हो। एंड वही यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन आया दैट इज़ दी फर्स्ट हाउस वाइब, यू नो, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना है, जैसे आप खुद को देखते हो वैसे ही दुनिया आपको देखेगी। अगर आप जिस दिन सोच लोगे दैट आई एम द बेस्ट, आई कैन डू एनी थिंग एंड लाइक आई एम अ रॉक स्टार, ऐसे आप शीशे में देख के कहोगे तो वही लोग आपको देखना शुरू हो जाएंगे। जब जब आप ये सोचोगे यार मैं तो नहीं कर सकता, मेरे से तो नहीं हो पाएगा, मे बी आई एम जस्ट अ ऑर्डिनरी पर्सन, पता नहीं यू नो, फिर आपकी ऑरा, आपकी वाइब भी वैसी हो जाती, फिर लोग भी आपको उसी नज़रिए से देखना शुरू हो जाते हैं एंड डे बाई डे उसी टाइप के कॉम्प्लीमेंट्स भी आपको आते हैं, देन यू फील रियली लो। ठीक है, तो अपने आप से अगले 4 महीनों में प्रॉमिस करो कि आप जब जब मिरर में देखोगे यू विल जस्ट से गुड थिंग्स, पॉजिटिव थिंग्स, एंड अपने कॉन्फिडेंस के ऊपर काम करो, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाओ, सेल्फ एस्टीम बढ़ाओ, कहते हैं ना कि वेल ड्रेस्ड रहो, अपने आप को प्यार करो, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाओ, तो ज़रूर आप जो सक्सेस के लिए पीछे भाग रहे हो, जो मेहनत कर रहे हो, वो ज़रूर आपको मिलेगी। तो अपने आत्मविश्वास के ऊपर भी आपने काम करना है। रेस्ट अपनी जो भी आपकी रूटीन है, हम डेली उठते हैं, हम जॉब पे जाते हैं, हम घर आते हैं, हम बच्चों को देखते हैं, जो भी अपने पेरेंट्स के साथ बैठते हैं, अकेले बैठते हैं, व्हाटएवर, वो आपके आने वाले 4 महीनों में मेरे को रूटीन ठीक ठाक दिख रही है। देखो छोटे मोटे हेल्थ इश्यूज अराइज हो सकते हैं आने वाले 4 महीनों में, बट मैनेजेबल, ठीक हो जाएंगे, नो नीड टू वरी, कुछ मेजर नहीं दिख रहा है। वहीं यहाँ पर आपके लिए मैं अगर गाइडेंस, वाइब एंड एनर्जीज देख लेती हूँ, सो मेडिटेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी, बिकॉज मे बी आई थिंक इतना कुछ आपकी लाइफ में चलेगा अगले 4 महीनों में, तो मे बी यू नीड सम मी टाइम ऑल्सो। सॉलीट्यूड के भी कार्ड्स आए हैं, सो एडवाइस कार्ड्स, एंजल मैसेजेस जो आपके लिए आए हैं, ज़रूर अपने लिए वक्त निकाल कर अकेले बैठे मेडिटेशन करें, सॉलीट्यूड में बैठे, बहुत डीपर आंसर्स एंड एनालिसिस के आपको यू नो आंसर्स मिलेंगे। वहीं यहाँ पर आपके लिए आए हैं नॉलेज, यस, कुछ भी अगर आप कोर्स करना चाहते हैं, स्किल्स अपनी बढ़ाना चाहते हैं, ज़रूर ज़रूर आगे बढ़िएगा, बहुत अच्छा माना जाएगा। नाइट ऑफ वॉन्स भी सेम चीज़ कहता है कि अपने स्किल्स बढ़ाते हैं, साथ में ग्राउंडिंग। देखो अगर मैं कर्म आपका देखूँ, टैरो कार्ड्स में एनर्जी देखूँ, तो सब कह रहे हैं भाई ये करोगे, वो करोगे, पैशन फॉलो करोगे, अच्छा टाइम है, लॉट ऑफ न्यू थिंग्स यू गोना डू, सो अगले 4 महीने आपके लिए वर्क वाइज काफ़ी स्ट्रांग रहेंगे। लव लाइफ हो न्यूट्रल रहेगी। देखो मुझे लव लाइफ में ना कुछ बहुत नेगेटिव दिख रहा है, ना कुछ बहुत पॉजिटिव दिख रहा है, मैं कहूँगी जो जैसा था वैसा ही मुझे मूर्ति चलता हुआ दिख रहा है। अगर कोई न्यू प्रॉब्लम्स आती हुई नहीं दिख रही, दैट्स डेफिनेटली फॉर श्योर, कोई न्यू प्रॉब्लम्स आती हुई नहीं दिख रही, बट समवेयर योर एनर्जीज विल बी ऑन योर वर्क वाइज, ठीक है। एंड मैं कहूँगी अगर कोई लव लाइफ में टेंशन चल भी रही ना, तो उसको ज़रा साइड में कर दो और करियर, अपनी स्टडीज़ एंड अपने ऊपर काम करो, लव लाइफ अपने आप ठीक हो जाएगी, बिकॉज आपकी वाइब्रेशन इतनी हाई हो जाएंगी कि आप ऑटोमेटिकली जो भी चीज़ अट्रैक्ट या मैनिफेस्ट करना चाहते हो ज़रूर उसको ईजिली कर लोगे। तो खुद के ऊपर काम करो, तो वो जो मिरर वाली एक्सरसाइज मैंने बताई है ज़रूर करना। यहाँ पर आपके लिए ग्राउंडिंग की एनर्जी है। यू नो व्हाट इज़ ग्राउंडिंग? ग्राउंडिंग का मतलब ये होता है कि जब हम अपनी लाइफ में ना बहुत ज़्यादा हॉश पॉश चल रही है, हम बहुत ज़्यादा कई बार ड्रेनड आउट फील कर रहे हैं, तो उसमें ग्राउंडिंग मैसेजेस आते हैं कि नो जस्ट काम डाउन, सेटल डाउन, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, शांति से बैठो, स्पेंड टाइम
विद फैमिली या विद नेचर, जैसे यहाँ पर कार्ड्स आए हैं, तो इस तरीके से नो बेस्ट होगा इन तीनों कार्ड का कंक्लूजन तो यही वाला कार्ड है जो एक सेम इमेज दिखा रहा है कि ये इंसान है नो अपने मी टाइम में है, अपना वक्त बिता रहा है एंड कुछ डीपर थिंकिंग एनालिसिस कर रहा है। इसको लोनलीनेस नहीं कहते हैं, इसको सॉलिट्यूड कहते हैं, जहाँ पर ये अपना पीस, अपना अकेलापन इन्जॉय कर रहा है। ये सैड नहीं है, ये अपसेट नहीं है, ही समवेयर हैप्पी एंड वो अपना वैल्यूएबल टाइम अपने साथ स्पेंड कर रहा है, वो अपने आप को हील कर रहा है। तो इस प्रकार का टाइम आने वाले 4 मंथ्स में ज़रूर आप प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको बहुत बेहतर भी फील होगा। अपने आप से जब आप खुद को सपोर्ट देते हो ना, तो वो सबसे ऑनेस्ट, जेन्युइन और सबसे पावरफुल सपोर्ट होती है, तो उस पर ज़रूर आप ध्यान दीजिएगा। ओके, सो यस, ये थी आपकी रीडिंग। स्पेशल मैसेजेस, काफ़ी स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल मैसेजेस हैं। मैं कहूँगी जो लोग प्रमोशन, जॉब, बिजनेस, कोई रिजल्ट आने वाले हैं, कोई एग्ज़ाम का अटैम्प्ट करने वाले हैं, बेझिझक कीजिएगा, आपके लिए स्पेशल अच्छा रिजल्ट आते हुए दिख रहे हैं बाई द ग्रेस ऑफ गॉड। आगे ऊपर वाले की मर्ज़ी क्या एनर्जीज आप एक्सपीरियंस करते हैं, बट ये कुछ आपके लिए स्पेशल मैसेजेस हैं। थैंक यू सो मच।